ओम शांति। आज की तारीख है 29/6/2023, 29 जून 2023। आज के बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे ईश्वरीय बचपन को भूल ऊँचे से ऊँचा बरसा गवा नहीं देना, फुल पास होंगे तो सूर्यवंशी घराने में राज मिलेगा। ईश्वरीय बचपन को भूल ऊँचे से ऊँचा वर्षा गवा नहीं देना, जब फुल पास होंगे तो सूर्यवंशी घराने में राज मिलेगा। प्रश्न है आज की मुरली से, सतयुग और त्रेता में किसी भी आत्मा को अपने कर्म नहीं कूटने पड़ते, क्यों? उत्तर, क्योंकि सतयुग त्रेता में जो भी आत्माएं आती हैं वह संगम की प्रारब्ध बोलती हैं। अब ये हमारा प्रारब्ध भोगती हैं, ये जो हमारा इस समय चल रहा है संगम, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि, जब 100 वर्ष का समय होता है तो ये संगम का समय, तो ये संगम के समय पे जो बाबा के बच्चे इस समय पुरुषार्थ कर रहे हैं उसकी प्रारब्ध भोगते हैं सतयुग त्रेता में। उन्होंने संगम पर बाबा द्वारा ऐसे कर्म सीखे हैं, 21 जन्म तक उन्हें कोई कर्म कूटना ना पड़े। अभी बाबा ऐसे कर्म सिखलाते हैं जिससे आत्मा कर्मातीत बन जाती है, फिर किसी भी कर्म का फल दुख नहीं भोगना पड़ता है। गीत है आज की मुरली से, बचपन के दिन भुला ना देना। तो बाबा हमें ऐसे कर्म सिखा रहे हैं जिससे आत्मा कर्मातीत बन जाती है, माना निरंतर बाबा की, शिव बाबा की याद में रहती है। धारणा के लिए मुखसार, पहली पॉइंट, 8 घंटा पांडव गवर्नमेंट की मदद जरूर करनी है। पांडव गवर्नमेंट कौन है हमारा? शिव बाबा। तो हमें उसके इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में बाबा सतयुगी राजधानी स्थापना करने के लिए इस समय आए हैं, और हम सब बाबा के बच्चों को निमित्त बनाया है इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में, विशेष सहयोगी बनाया है इस सृष्टि को पुनः पावन करने की। तो हमें उस बाबा की, उस परमात्मा शिव बाबा की मदद जरूर करनी है। शिव बाबा को याद में रहकर विश्व को पावन बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, कभी कोई उल्टा कर्म करके सतगुरु की निंदा नहीं करानी है। मम्मा बाबा जैसा पुरुषार्थ कर सूर्यवंशी राजाएं लेनी है, जैसे हमारे मम्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया और नंबर वन का पद प्राप्त किया, तो ऐसे ही हम बाबा के बच्चों को सूर्यवंशी राजाई लेनी है। वरदान है आज की मुरली से, दिव्य बुद्धि के वाहन द्वारा तीनों लोकों की सैर करने वाले ज्ञान स्वरूप विद्यापति भव। दिव्य बुद्धि अर्थात होली हंस बुद्धि, हंस अर्थात क्षीर और नीर को, मोती और पत्थर को पहचान मोती ग्रहण करने वाले, इसीलिए होली हंस संगम योगी ज्ञान स्वरूप विद्या देवी सरस्वती का वाहन है। आप सभी ज्ञान स्वरूप हो, इसीलिए विद्यापति या विद्या देवी हो। ये वाहन दिव्य बुद्धि की निशानी है। इस दिव्य बुद्धि के वाहन द्वारा आप तीनों लोकों की सैर करते हो। ये वाहन सभी वाहन से तीव्र गति वाला है, ये वाहन सभी वाहनों से तीव्र गति वाला है, तीनों लोगों की सैर करने वाला है। बुद्धि से आप सैर करते हो तीनों लोगों की, तो तीन लोग कौन कौन से? एक तो हमारा परम धाम जहाँ पर हमारा शिव बाबा रहता है, दूसरा सूक्ष्म वतन जहाँ पे ब्रह्मा विष्णु शंकर की सूक्ष्म स्वरूप में रहते हैं उस धाम की आप यात्रा करते हो, तीसरा लोक है हम जिस साकार लोक में रहते हैं। तो तीनों लोकों की यात्रा हम इस दिव्य बुद्धि के द्वारा तीनों लोकों की सैर करते हैं। स्लोगन है आज की मुरली से, अपनी सर्व शक्तियों को अन्य आत्माओं के प्रति विल करना ही सर्वश्रेष्ठ सेवा है। आपकी सर्व शक्तियों को, जो भी बाबा की याद से आप शक्तियां प्राप्त करते हो, वो अन्य आत्माओं को भी शक्तियों का दान देते हो, तो शक्तियों का विल करते हो, तो यही आपकी सर्वश्रेष्ठ सेवा है। आज की मुरली से समान का अभ्यास करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। बहुत पावरफुल समान है, चलते फिरते उठते बैठते इसका अभ्यास करेंगे और अपनी शक्तियों की किरणों से इस पूरे संसार की सेवा करेंगे। एक मिनट के लिए उस शक्तियों के सागर परमात्मा शिव बाबा को याद करेंगे।
परमात्म प्रीत से बंधी हुई, परमात्म प्रेम से रंगी हुई, मैं परमात्म वंशी आत्मा एक शिव बाबा दूसरा न कोई की स्थिति में स्थित। एक बाबा की याद में, एक की ही लगन में, एक रस अवस्था में स्थित में आत्मा। मेरा बाबा ही मेरा संसार है, मेरा बाबा ही मेरे इस जीवन का आधार है, मेरा बाबा ही मेरा संसार है।